Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Khwaja Mohsin Inam. Students, Allah Ta'ala se dua hai ki aap khairiyat se hoon. Ye lecture pichle do lectures ki continuation hai. Let's start. Students, this is problem number 3. Statement is, find equations of the tangents to the following through the given point. Students, hume is conic ke liye is point se guzarne wale tangents ki equations maloom karni hai. स्टूडेंट सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि यह कॉनिक कौन सा है. शाबाश, गौर करें. दो स्क्वायर्स दरमियान में माइनस, कौन सा कॉनिक होगा? द आंसर इज ये हाइपरबला होगा. स्टूडेंट्स इसको हाइपरबला की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें. इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कि राइट साइड पर आपको वन मिलना चाहिए. अब राइट साइड पर वन बनाने के लिए हम इसे टू से डिवाइड कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर by 2 minus y square by 1 is equal to 1. अब students, मेरा सवाल यह है कि यह किस किस्म का hyperbola है? शाबाश, इसका center कहां पर है? The answer is, इसका center origin पर है. चूंकि इसके अंदर आपको first degree term दिखाई नहीं दे रही, so इसका center है origin पर. इसका transverse axis कहां पर है? The answer is, इसके अंदर x square वाली जो term है, यह positive है. इसका मतलब है कि इसका transverse axis on the x axis है. अब स्टूडेंट्स इस किस्म के हाइपरबला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला क्या है? शाबाश जी, हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था फार्मूला. जी इसके लिए फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इस किस्म के हाइपरबला के लिए टेंजेंट्स की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला. अब स्टूडेंट्स हम इस फार्मूला को यूज करेंगे. हमें वैल्यूज कौन सी रिक्वायर्ड है? हमें वैल्यूज चाहिए तीन. एक है ए स्क्वायर की वैल्यू, एक है बी स्क्वायर की वैल्यू और एक है एम स्क्वायर की वैल्यू. अब यहां पर देखकर जरा बताएं कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है. द आंसर इज ए स्क्वायर है 2, बी स्क्वायर है 1. हमें एम की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी. अब एम की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करेंगे. चूंकि टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, सो हम इस पॉइंट को यूज करते हुए m की वैल्यू मालूम करेंगे. अब किस तरह मालूम करेंगे ये आपको सॉल्यूशन के अंदर एक्सप्लेन करता हूं. गिवन कॉनिक इज, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर रहा हूं. हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इज इक्वल टू 1. इट इज अ हाइपरबला विद सेंटर एट origin and transverse axis on x-axis. Here a square is equal to 2, b square is equal to 1. Equation of tangent, in fact, equations of tangents will be y is equal to mx plus minus square root of a square m square minus b square. Now, students, hum yahan par a square aur b square ki values put kar sakte hain. Putting a square is equal to 2, b square is equal to 1, y is equal to mx plus minus square root of
a square की value 2, 2m square minus b square की value 1. अब students, इसको नाम दे दें 1 का, हमें इसका reference और इसकी जरूरत पड़ सकती है बाद में, इसको नाम दे दें 2 का, हमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है. अब students, हमें बताया गया है कि हमारे जो tangents हैं, वो इस point से गुजर रहे हैं. Students, अगर tangent इस point से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस point के coordinates tangent की equation को satisfy करेंगे. हम यह लिखेंगे as tangents are passing through one comma minus two. So it must satisfy equation 2. X की जगह 1 और Y की जगह पर minus 2 put कर देते हैं. X की जगह 1 put करेंगे तो यहां पर आ जाएगा m, 1m, आप simple m भी लिख सकते हैं, plus minus square root of 2m square minus 1. स्टूडेंट्स, हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यूज मौजूद थी, हमें m की वैल्यू चाहिए. m की वैल्यू जैसे ही मिलेगी तो हम m की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी या टेंजेंट्स की इक्वेशंस बन जाएंगी. अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ m अननोन है. अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि हमें m की वैल्यूज मिल जाएंगी. अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शाबाश, पहले तो बताएं जरा फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 रिकॉल करके कि ये किस किस्म की इक्वेशन है. शाबाश, फर्स्ट ईयर चैप्टर 4, ये रेडिकल इक्वेशन है. ये आपको रेडिकल साइन नजर आ रहा है. अगर आपका अननोन जो है वो रेडिकल साइन के नीचे हो तो ऐसी इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशन का नाम देते हैं. अब रेडिकल इक्वेशन का याद आते ही आपके ज़हन में ये भी बात आ जानी चाहिए कि यहां पर एक्सट्रेनियस रूट्स अपीयर हो सकते हैं, यानी ऐसे रूट्स आ सकते हैं कि जो इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. सो हमें आखिर पर चेकिंग भी करनी होगी. ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन है. अब स्टूडेंट्स, रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि हम स्क्वेयर रूट वाली टर्म को इक्वल के एक तरफ और बाकी सारी टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, ताकि स्क्वेयर लेने से वो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो सके. अब मैं m को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं. माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस. अब ये हमने क्यों किया है? अगर मैं इसी तरह से स्क्वेयर ले लेता तो a स्क्वेयर फाइन, b स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता, लेकिन जो प्लस 2ab या माइनस 2ab आता उसके अंदर फिर स्क्वेयर रूट आ जाता. अब अगर आप स्क्वेयर लेंगे तो स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और हम आगे बढ़ सकेंगे. Squaring both sides. अच्छा, ये वो इक्वेशन है कि जिसमें हम बाद में एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए चेकिंग करेंगे. इसको भी नाम दे दें 3 का. क्योंकि हम इसके बाद स्क्वेयर लेने लगे हैं, रेडिकल इक्वेशन अब नहीं रहेगी. सो ये लास्ट हमारे पास फॉर्म है रेडिकल इक्वेशन की. आप इसमें चेकिंग कर सकते हैं या इसमें चेकिंग कर सकते हैं. मैंने इसको नाम दे दिया 3 का. हम इसमें चेकिंग परफॉर्म करेंगे. अब दोनों तरफ स्क्वायर लेने से हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4m. लेफ्ट साइड पर स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस. स्क्वायर लेने से हमें पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा. स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, 2m स्क्वायर माइनस 1. अब स्टूडेंट्स, तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर देते हैं. 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. मैंने इक्वल के राइट साइड पर समझ लें कि ये शिफ्ट कर दी सारी टर्म्स. 2m स्क्वायर की साइड पर मैंने सारी टर्म्स को शिफ्ट कर दिया. माइनस m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 और माइनस 1 पहले इस साइड पर है. अब 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यहां से हमें मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स, हमारे पास m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 रास्ते हैं. हमने 3 वेज सीखे हुए हैं. वैसे तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स की हद तक 3 मेथड्स हैं. मिडिल टर्म ब्रेकिंग,
क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर. कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें अच्छा नहीं लगता, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन हम ये उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमें मिडिल टर्म ब्रेक समझ ना आए. यहाँ पर ज़रा देखें, माइनस फाइव को एम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है माइनस फाइव एम स्क्वायर. हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम या डिफरेंस माइनस फोर एम हो और प्रोडक्ट माइनस फाइव एम स्क्वायर हो. शाबाश, सोचे जरा. जी, हमारे पास नंबर होगा माइनस फाइव एम प्लस एम. मैं यहां लिखता हूं एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस एम. माइनस फाइव एम प्लस एम अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस फाइव एम स्क्वायर, और इनका सम करेंगे तो माइनस फोर एम. माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. यहां से हमें m कॉमन मिला m माइनस फाइव प्लस वन कॉमन m माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. अब यहां से m प्लस वन और m माइनस फाइव, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो. दोनों फैक्टर्स के अंदर अननोन मौजूद है, सो हम दोनों को इक्वल टू जीरो लेंगे. यहां से स्टूडेंट्स m की वैल्यू आ गई माइनस वन और यहां से m की वैल्यू आ गई फाइव. हमें m की वैल्यूज मिल गई. अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर डिस्कस किया था कि ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है, सो हमें एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए चेकिंग परफॉर्म करनी होगी. हम यहां लिखेंगे, हेडिंग देंगे चेकिंग. फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स, सबसे पहले हम चेक करेंगे m इज इक्वल टू वन. m इज इक्वल टू माइनस वन, सॉरी इट इज माइनस वन. पुटिंग इन थ्री, इक्वेशन थ्री में हम पुट करेंगे m की जगह पर माइनस वन माइनस और माइनस वन माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू एम स्क्वायर, यानी माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन. अब माइनस माइनस प्लस, प्लस वन माइनस टू इट विल बी माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस. यहां पर स्टूडेंट्स माइनस वन का स्क्वायर वन, टू वन आर टू, टू माइनस वन इज वन, वन का स्क्वायर रूट वन. अब स्टूडेंट्स यहां से हमें पता चलेगा कि हमें साइन कौन सा चूज करना चाहिए. इक्वेशन के ट्रू रहने के लिए साइन कौन सा होना चाहिए. लेफ्ट साइड पर है माइनस वन, इसका मतलब है कि राइट साइड पर माइनस साइन चूज होगा तो इक्वेशन ट्रू होगी. हम यहां लिखेंगे फॉर माइनस साइन इक्वेशन इज ट्रू. इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पॉजिटिव साइन चूज करेंगे तो यही m इज इक्वल टू माइनस वन एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा. अब यहां पर अगर हम माइनस साइन चूज कर रहे हैं तो m इज इक्वल टू माइनस वन हमारा रूट है. फॉर माइनस साइन इक्वेशन इज ट्रू. अब ये याद रखिएगा कि हम माइनस साइन चूज करेंगे m की वैल्यू माइनस वन के लिए जब हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे. यानी यहां पर जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो हम माइनस साइन चूज करेंगे. m की वैल्यू माइनस वन के लिए यहां पर माइनस साइन चूज होगा, चूंकि माइनस साइन के लिए हमारे पास इक्वेशन ट्रू हो रही है. ये बात हमने यहां पर चेक कर ली. अब दूसरी वैल्यू m इज इक्वल टू फाइव, पुटिंग m इज इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन थ्री. माइनस फाइव माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एम स्क्वायर माइनस वन. अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ रहा है माइनस सेवन. माइनस सेवन लेफ्ट साइड पर आंसर आ रहा है, राइट साइड पर भी आंसर नेगेटिव आना चाहिए. इसका मतलब यह हुआ कि राइट साइड से इस दफा भी हमें माइनस साइन चूज करना है. फॉर माइनस साइन इक्वेशन इज ट्रू. इसका मतलब अगेन ये हुआ कि प्लस साइन के लिए m की वैल्यू 5 जो है ये एक्सट्रेनियस रूट होगा. अब स्टूडेंट्स ये m की वैल्यू माइनस वन और m की वैल्यू 5,
ये हम दोनों माइनस साइन को चूज करते हुए यहां पर जब पुट करेंगे तो हमें दो टेंजेंट्स की इक्वेशंस मिल जाएंगी। इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स फॉर m इज इक्वल टू माइनस वन putting in equation 2 choosing minus sign, ये minus sign का फैसला हमने यहां पर किया था। अब students equation 2 में value put करते हैं, m की value minus 1, y is equal to minus 1 x plus minus में से हमने choose किया minus 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस, अब माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 टू आर 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानब लाकर हम इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई एक टेंजेंट की इक्वेशन is equation of tangent. अब for m is equal to 5, putting in equation 2, choosing minus sign, y is equal to 5x माइनस 2m स्क्वायर माइनस 1। अब इसे सिंप्लीफाई किया, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 टूज आर 50, 25 टूज आर 50, 50 माइनस 1 इज 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। इसे सिंप्लीफाई किया, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 5x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। Is equation of tangent. यहां पर स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड हुआ। आइए इसके सोल्यूशन को ग्राफ पर ऑब्जर्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमारी हाइपरबला की इक्वेशन। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए ये हमने एक्स वाई प्लेन में हाइपरबला ड्रॉ कर लिया। ये स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन, इस टेंजेंट की इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमने ये फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन, और ये हमने दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है कि जिसके बारे में हमें बताया गया था कि दोनों टेंजेंट्स इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये है वो पॉइंट। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस आ चुकी और हमने इसको ग्राफ पर ऑब्जर्व भी कर लिया। आइए देखते हैं इसी तरह का एक और प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम प्रॉब्लम। हमें इस कॉनिक के लिए इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है। स्टूडेंट्स अगेन थिंकिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपने सोचना है कि ये कॉनिक कौन सा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बहुत ही आसान जजमेंट, शाबाश जी, ये सर्कल है। इसका सेंटर कहां पर है? द आंसर इज इसके अंदर फर्स्ट डिग्री टर्म मौजूद नहीं है, सो इसका सेंटर ऑरिजन पर है। यह है सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन पर। अब स्टूडेंट्स इस किस्म के सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था एक्सरसाइज 6.2 के अंदर। अब वो फॉर्मूला जरा रिकॉल कर ले, शाबाश। चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। द फॉर्मूला वॉज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वेयर। हमारी बुक में आर की जगह पर ए लिखा हुआ है, यानी ए से रेडियस को डिनोट किया गया है बाज जगहों पर, लेकिन ज्यादा बेहतर अप्रोच यह है कि हम हर जगह पर आर से ही रेडियस को डिनोट करें। स्टूडेंट्स आर की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, क्या वैल्यू है आर की, शाबाश।
x square plus y square is equal to r square. ये r square की value है. तो r की value क्या होगी? The answer is 5. R की value जब हम 5 यहाँ पर put करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक unknown रह जाएगा, that is m. अब m की value मालूम करने के लिए again हम इस point का use करेंगे. इस point से हमारे दोनों tangents pass कर रहे हैं. अब students, ये जो पॉइंट है इसकी एक्स वैल्यू और इसकी वाई वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक रेडिकल इक्वेशन बनेगी जिसके अंदर एम अननोन होगा. उस रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें एम की वैल्यूज मिलेंगी. एम की जो वैल्यूज मिलेंगी हम यहां पर लाकर पुट करेंगे. आर की वैल्यू पहले हमारे पास मौजूद है तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये हमें दे देगा टेंजेंट्स की इक्वेशंस. ये है हमारा प्लान जिसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं. अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. एज हम अपनी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं, एज दिस इज अ सर्कल with center at origin. Here, r square is equal to 25, r की value 5. अब इस किस्म के सर्कल के लिए equation of tangent मालूम करने का formula, इसका जिक्र हम solution के अंदर करते हैं. Equation of टेंजेंट, टेंजेंट्स या टेंजेंट ही यहां पर लिखे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स यहां पर हम r की वैल्यू पुट कर सकते हैं. Put r is equal to 5, y is equal to mx plus minus 5 into 1 plus m square. इसे नाम दे दें 1 का. Students, इसके अंदर जब हम m की value put करेंगे तो ये हमारे पास tangent की equation या tangents की equations बन जाएंगी. अब m की value मालूम करने के लिए हमारे पास ये एक point है. इस point, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में से टेंजेंट्स पास कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ये इस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. हम यह लिखेंगे एज टेंजेंट्स आर पासिंग थ्रू 7, -1. सो y की जगह पर माइनस वन और x की जगह पर 7 पुट करने जा रहा हूं मैं. माइनस वन इज इक्वल टू 7m प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई अगेन एक रेडिकल इक्वेशन. इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें m की वैल्यूज मिलेंगी और चूंकि ये रेडिकल इक्वेशन है हमें आखिर पर एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए भी चेकिंग करनी होगी. स्टूडेंट्स 7m को मैं लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर रहा हूं. माइनस 7m माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. इसको नाम दे दें 2 का, क्योंकि इसके अंदर हम चेकिंग परफॉर्म करेंगे. आप चेकिंग यहां पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, यहां पर भी परफॉर्म कर सकते हैं. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, फोर्टी नाइन एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14m इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब शिफ्ट कर लेते हैं. 49m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 14m माइनस 25 माइनस 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 49m square minus 25m square is 24m square plus 14m
plus 1 minus 25 is minus 24 is equal to 0. अब पूरी equation को हम 2 से divide कर सकते हैं. हमें यहाँ पर मिल जाएगा 12m square plus 7m minus 12 is equal to 0. ये students आगे हमारे पास m में quadratic equation. यहाँ पर जरा middle term break सोचे. 12m square minus 12 ये बनता है हमारे पास minus 144m square. हमें दो ऐसे numbers चाहिए जिनका product minus 144 हो और sum या difference plus 7 हो. शाबाश. शाबाश. जी, एक है 16 और एक है 9. हम positive 16 लेंगे और negative 9 लेंगे. Positive 16, negative 9 हमें देगा sum करने से plus 7 और product करने से minus 144. 12m square plus 16m minus 9m, 16 9s are 144, minus 12 is equal to 0. First two terms ke andar se kya common aa raha hai? Shabash. 4m. Aur yahan se minus 3. 4m. Yahan aa gaya 3m plus 4. Yahan se minus 3 common. 3m plus 4 is equal to 0. 4m minus 3, 3m plus 4 is equal to 0. दो factors का product equal to 0, हमें इन दोनों factors को equal to 0 लेना होगा, क्योंकि दोनों के अंदर unknown मौजूद है. 4m minus 3 is equal to 0 और 3m plus 4 is equal to 0. यहां से m की value आ गई 3 by 4. और यहां से m की वैल्यू आ गई minus 4 by 3. अब स्टूडेंट्स हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई. हमें एक्सट्रेनियस रूट के लिए चेक करना होगा इक्वेशन 2 में. हम यहां हेडिंग देंगे चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स. Putting m is equal to 3 by 4 in equation 2. Equation 2 में मैं m की value 3 by 4 put कर रहा हूँ. Minus 7 into 3 by 4 minus 1 is equal to plus minus 5 square root of 1 plus m square यानि 3 by 4 का square. Minus 21 by 4 minus 1 is equal to plus minus 5 square root of 1 plus 9 by 16. अब students, इसको further solve किया, तो यहां पर हमें मिल रहा है, minus 4 multiply करने से 4 into minus 1 minus 4, minus 4 minus 21 minus 25, minus 25 by 4 is equal to plus minus, अब 16 ones are 16, 16 plus 9 is 25. 25 by 16 का square root आ जाएगा 5 by 4. 5 by 4 multiply होगा 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 25 by 4. अब students, left side पर है minus 25 by 4, right side पर है plus minus 25 by 4. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें यहां से negative sign choose करना है. For negative sign, for minus sign भी आप लिख सकते हैं. For minus sign, equation will be true. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम positive sign choose करते, तो यही m की value 3 by 4 extraneous root होती. लेकिन negative sign के लिए m की value 3 by 4 हमारा सही root है. यह extraneous root नहीं है. For minus sign, equation will be true. अब आपने याद रखना है कि m की value 3 by 4 जब हम choose करेंगे equation of tangent लिखने के लिए, तो हम minus sign choose करेंगे कहां पर? इस इक्वेशन के अंदर. यहां पर हम माइनस साइन चूज करेंगे और m की वैल्यू ये पुट करेंगे, दैट इज 3 by 4, और हमें एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी. अब दूसरी चेकिंग, पुटिंग दूसरी वैल्यू है m इज इक्वल टू माइनस 4 by 3 इन इक्वेशन 2. Minus 7
minus 4 by 3 minus 1 is equal to plus minus 5 square root of 1 plus minus 4 by 3 ka square. अब इसकी भी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं. माइनस माइनस प्लस 7 4s are 28, 28 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय 9, 1 प्लस 16 बाय 9. अब स्टूडेंट्स यहां पर 3 1s are 3, 28 minus 3 will be 25. 25 by 3 is equal to plus minus 5. Ab yahan par 9 ones are 9, 16 plus 9 is 25. 25 by 9 is 5 by 3, square root lene se. 5 by 3. Ab 25 by 3 yahan par bhi aa raha hai. Plus minus 25 by 3. Ab students, left side par hai positive 25 by 3. राइट साइड पर हमें पॉजिटिव साइन चूज करना होगा. फॉर पॉजिटिव साइन इक्वेशन विल बी ट्रू. स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि m की वैल्यू माइनस 4 बाय 3 एक्सट्रेनियस रूट है अगर हम नेगेटिव साइन चूज करेंगे. ये एक्सट्रेनियस रूट है लेकिन पॉजिटिव साइन के लिए ये एक्सट्रेनियस रूट नहीं है. अब स्टूडेंट्स हमने साइन चूज कर लिए, हमने m की वैल्यूज मालूम कर ली. अब हम इक्वेशन 1 के अंदर जाकर पुट करेंगे m की वैल्यूज और हमें इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स मिल जाएंगी. इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स सबसे पहले m की वैल्यू 3 बाय 4. M is equal to 3 by 4 and choose M ki value 3 by 4 ke liye minus sign choose karna hai. Choose minus sign in equation 1. Y is equal to MX yani 3 by 4 X. माइनस साइन चूज किया, प्लस माइनस यहां पर आना था, मैंने माइनस साइन चूज किया. 5 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर यानी 3 बाय 4 का स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. y इज इक्वल टू 3 बाय 4 एक्स माइनस 5. अब स्टूडेंट्स यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. अब 9 बाय 16 यहां पर है 1, 1 प्लस 9 by 16, यह हमें मिल जाएगा 25 by 16, 25 by 16 का square root, 5 by 4, 5 by 4 यहां पर आ गया हमारे पास bracket में, square root लेने के बाद. अब students, पूरी equation को अगर मैं 4 से multiply कर दूं, तो हमारी इस denominator से जान छूट जाएगी. 4 से multiply करके मैं तमाम terms को equal के एक जानिब shift कर रहा हूं, it will be 3x, 4 cancel हो गया. इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और दूसरी तरफ शिफ्ट किया, माइनस 4y माइनस 5 5s are 25, चूंकि ये 4 मल्टीप्लिकेशन के बाद कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब दूसरी वैल्यू पुट m इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3 एंड चूज माइनस 4 बाय 3 के लिए पॉजिटिव साइन एंड चूज पॉजिटिव साइन इन इक्वेशन 1. y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3 x पॉजिटिव साइन चूज किया. अब यहां पर मैंने 5 1 प्लस माइनस 4 बाय 3 का स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इसे हमने सिंप्लीफाई करना है. y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3 x प्लस 5
1 plus 16 by 9. Ab 9 ones are 9, 9 plus 16 is 25. 25 by 9 ka square, humare paas aa jayega 5 by 3. 5 by 3, yahan par likhte hain, y is equal to minus 4 by 3x plus 5 by 3. Jab multiply hoga 5 ke saath, to ye aa jayega 25 by 3. Ya main ise 5 into 5 by 3 likh deta hu is tarah se. Ab students, is puri equation ko hum 3 se multiply karenge, hame general form mein tangent ki equation mil jayegi agar hum sari terms ko equal ke ek janib shift kar denge. Ye hamare paas aa gaya 4x plus 3y. 3 se chunke maine multiply kiya, ye 3 cancel ho gaya, ye y apni jagah par hi hai, is term ko maine left side par shift kiya. Aur 5 5s are 25, dusri side par jaakar minus 25 is equal to 0. Is equation of tangent. ये स्टूडेंट्स, हमें दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस मिल चुकी हैं. आइए अब इसका सॉल्यूशन भी विजुलाइज करते हैं. ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, ये स्टूडेंट्स हमारे सर्कल की इक्वेशन. इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया. ये स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन, ये इस इक्वेशन के मुताबिक हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की. ये दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन और ये हमने इसके मुताबिक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट्स उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं कि जो हमें स्टेटमेंट में गिवन था. ये स्टूडेंट्स हमने इसकी विजुलाइजेशन मुकम्मल की. आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 7. इसका सॉल्यूशन समझने के बाद इसी प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट और इसके अलावा एग्जांपल नंबर 9 आपका होमवर्क होगा. स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज फाइंड इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन कॉनिक्स. स्टूडेंट्स, हमें यहां पर दो कॉनिक्स गिवन हैं, हमें इनके लिए कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है. स्टूडेंट्स, कॉमन टेंजेंट नाम से जाहिर है ऐसा टेंजेंट जो दोनों के लिए कॉमन हो साइमल्टेनियसली. स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉनिक जरा जज करें कौन सा है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y, शाबाश. ये है पैराबोला. कौन सा पैराबोला है ये? जी, इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर और ये अपवर्ड ओपन है. दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ये एक ऐसा सर्कल है कि जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और इसमें रेडियस की वैल्यू क्या है, शाबाश. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ अगर आप इसे कंपेयर करें तो आर स्क्वायर की वैल्यू 81, आर की वैल्यू आ जाएगी 9. एक तरफ है हमारे पास सर्कल और दूसरी तरफ है अपवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर. अब स्टूडेंट्स, मैं आपको कॉमन टेंजेंट विजुलाइज करवाता हूं कि किसे कहते हैं. ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन और ये इसके मुताबिक हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया. ये हमारे सर्कल की इक्वेशन और ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया. स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों कॉनिक्स के लिए कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करना है, ऐसा टेंजेंट जो दोनों के लिए कॉमन हो. स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट टेंजेंट और ये है सेकेंड टेंजेंट. आप देख सकते हैं कि दोनों टेंजेंट्स दोनों कॉनिक्स के लिए कॉमन है. स्टूडेंट्स, हमें इन दो टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है. मैंने आपको सॉल्यूशन विजुलाइज करवा दिया है, हमें इन टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है. अब आते हैं अपने थिंकिंग प्रोसेस की तरफ. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80y. स्टूडेंट्स, इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, शाबाश. रिकॉल करें, हमने लेक्चर नंबर 4 में ये फार्मूला ड्राइव किया था, शाबाश. जी, फार्मूला था y इज इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर. c की वैल्यू माइनस am स्क्वायर है इसके लिए जो टेंजेंट का फार्मूला उसके अंदर. अब स्टूडेंट्स, सर्कल के लिए अभी हमने फार्मूला यूज भी किया था, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन हमें उस सूरत में मिलेगी अगर हम ये जो c की वैल्यूज हैं, ये c की वैल्यूज इनको इक्वलाइज कर लें.
इन दो वैल्यूज को अगर हम इक्वल ले लेंगे और इक्वल लेने से जो m की वैल्यूज आएंगी वो m की वैल्यूज हमें कॉमन टेंजेंट बनाकर देंगी। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है पैराबोला की इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 80y। अब स्टूडेंट्स हमें यहां से a की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 80y, अपवर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, शाबाश जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहां से 4a की वैल्यू हमें मिल रही है 80 और a की वैल्यू हमें मिल गई 20। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इज इक्वल टू mx माइनस a की जगह पर 20, बल्कि हम जस्ट पहले फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस था। हम यहां पर फॉर्मूला का जिक्र करेंगे फिर a की जगह पर 20 पुट करेंगे, a m स्क्वायर। अब इसमें a की वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू mx माइनस 20 m स्क्वायर, इसको नाम दे दें 1 का। स्टूडेंट्स m की वैल्यू जब हमें मिलेगी तो m की वैल्यू यहां पर पुट करने से हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ, दैट इज सर्कल। अदर इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 81। यहां से r स्क्वायर की वैल्यू 81 और r की वैल्यू आ गई 9। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस r स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां पर r की वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, इसको नाम दे दिया 2 का। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन पैराबोला के लिए और ये है टेंजेंट की इक्वेशन सर्कल के लिए। स्टूडेंट्स ये कॉमन टेंजेंट उस सूरत में बनेंगे अगर इन दोनों में c की वैल्यूज इक्वल हो जाए। अब ये हमारे पास है c की वैल्यू माइनस 20 एम स्क्वायर और यहां पर c की वैल्यू है प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। हम यहां लिखेंगे फॉर कॉमन टेंजेंट्स माइनस 20 एम स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आगे हमारे पास अगेन एक रेडिकल इक्वेशन, यानी यहां पर भी हमें आखिर पर m की वैल्यूज के लिए चेकिंग करनी होगी। अब स्टूडेंट्स इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पर हमारे पास आ गया 400 m रेस टू पावर 4, 81 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 400 m रेस टू पावर 4 माइनस 81 एम स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर हमारे पास एक अननोन है, दैट इज m। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सॉल्व करना है। पिछले दोनों प्रॉब्लम्स के अंदर जो हमें इक्वेशंस मिली थी रेडिकल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या करें, शाबाश। यहां पर आपको अगेन चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर का याद आना चाहिए। स्टूडेंट्स चैप्टर 4 बहुत ज्यादा काम आता है। चैप्टर 4 में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक
तरफ अननोन की एक पावर हो और दूसरी टर्म में वो पावर डबल हो, तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम स्टूडेंट्स इसे कह सकते हैं कि ये इक्वेशन एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, एम स्क्वायर में ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब एम स्क्वायर में अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हम अगेन मिडिल टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स इसकी मिडिल टर्म ब्रेक मुमकिन नहीं है, मैं इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं करवाना चाहता हूं। हम चलते हैं सीधा क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए हमें यहां से ए बी और सी की वैल्यूज पिक करनी होंगी। यहां पर हम लिखते हैं हेयर इट इज क्वाड्रेटिक इन एम स्क्वायर। सो एम स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, ए की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास, ये एम स्क्वायर का स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट ए 400, बी की वैल्यू एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज -81 और सी की वैल्यू भी -81। इस इक्वेशन को भी स्टूडेंट्स नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, चूंकि हमें चेकिंग इस रेडिकल इक्वेशन में परफॉर्म करनी है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, हम लेफ्ट साइड पर लिखेंगे या यहां बल्कि हम लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। वैल्यूज पुट करते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -81 प्लस माइनस -81 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 400 और सी की वैल्यू भी -81 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए यानी 400 ए की वैल्यू। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस, अब स्टूडेंट्स यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करनी है, यहां पर ब्रैकेट हमने क्लोज करनी थी, अब सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करने के लिए यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। 81 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद 400 मल्टीप्लाइड विद -81, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 136161। डिवाइडेड बाय 800, अब इसका लेंगे स्क्वायर रूट, वी हैव 369। एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस माइनस 369 ओवर 800। अब यहां से स्टूडेंट्स दो केसेस आ गए, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 369 ओवर 800 और दूसरी तरफ एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 369 ओवर 800। अब यहां से एम स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 369 डिवाइडेड बाय 800, ये स्टूडेंट्स आ गई वैल्यू -9/25 इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब स्टूडेंट्स एम क्या है, एम है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्टूडेंट्स स्लोप का स्क्वायर नेगेटिव नंबर आ रहा है। स्टूडेंट्स क्या रियल वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव आंसर आता है, क्या रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आंसर आता है? द आंसर इज नो। स्टूडेंट्स स्लोप हमारी हमेशा एक रियल नंबर होती है, सो रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर नहीं आता, ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये यहां पर ही दफन हो गया। हम यहां लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये दफन, अब इसके ऊपर आ जाएं। 81 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 800, 81 प्लस 369 डिवाइडेड बाय 800, ये हमारे पास आ रहा है 9/16। अब 9/16 का हम लेंगे स्क्वायर रूट, हम पहले लिख लेते हैं एम स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16।
अब इसका लेंगे स्क्वायर रूट, तो m की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, प्लस माइनस 3/4। ये स्टूडेंट्स हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई। अब हमें इन वैल्यूज को चेक करना है यहां पर, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन हमने सॉल्व की है, हमें इन दो वैल्यूज को चेक करना होगा। हम यह लिखेंगे चेकिंग फॉर एक्सट्रेनियस रूट्स। पुट m इज इक्वल टू 3/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूं m की वैल्यू 3/4, माइनस 20 इंटू 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई, माइनस 20 इंटू 9/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9/16। अब स्टूडेंट्स यहां पर 20 इंटू 9 इज 180, माइनस 180 बाय 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 इंटू 16 वन्स आर 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 बाय 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ रहा है 45/4। अब यहां पर अगर हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लें, तो 4 से अगर हम कैंसिलेशन करें तो न्यूमिरेटर में 45 और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर है माइनस 45/4, राइट साइड पर हमें माइनस साइन चूज करना होगा। फॉर माइनस साइन इक्वेशन विल बी ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइन के लिए हमारी यही जो m की वैल्यू है 3/4 ये एक्सट्रेनियस रूट कंसिडर होगा। अब स्टूडेंट्स हमने माइनस साइन चूज कर लिया 3/4 के लिए। अब दूसरी वैल्यू चूज करते हैं माइनस 3/4। पुट m इज इक्वल टू माइनस 3/4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो कि हमारी रेडिकल इक्वेशन थी, माइनस 20 इंटू माइनस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 3/4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगेन 9/16 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो ये आ गया माइनस 180/16, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद माइनस 45/4 ही आ जाएगा, प्लस माइनस 9। और यहां पर अगेन वही मामला, माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16 ही आना है, यहां से अगेन आ जाएगा हमारे पास 5/4। अब यहां पर हमारे पास आ गया माइनस 45/4 और यहां पर प्लस माइनस 45/4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस दफा भी हमें नेगेटिव साइन ही चूज करना है। फॉर माइनस साइन इक्वेशन विल बी ट्रू। अब इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव साइन के लिए अगेन माइनस 3/4 एक्सट्रेनियस रूट कंसिडर होगा। अब स्टूडेंट्स हमने साइन चूज कर लिए, m की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी। अब स्टूडेंट्स ये m की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में जाकर पुट कर दें, जो कि थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर, ये m की दो वैल्यूज हम वहां पर जाके पुट कर देंगे तो हमें कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम सर्कल वाली टेंजेंट की इक्वेशन यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स वहां पर हमें माइनस साइन का ख्याल रखना होगा। वहां पर प्लस माइनस आता है, आपको माइनस साइन चूज करते हुए यही दो m की वैल्यूज वहां पर पुट करनी है। यानी यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, हम पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो कर लें या सर्कल की इक्वेशन को फॉलो कर लें। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं पैराबोला की इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूं चूंकि उसे फॉलो करना आसान है।
हम यहां हेडिंग्स देंगे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशंस ऑफ इनफैक्ट कॉमन टेंजेंट्स. Equations of common tangents. Put पहली हमारी वैल्यू है 3/4. M is equal to 3/4 in हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी इक्वेशन 1. In इक्वेशन 1 y is equal to mx यानी 3/4 x minus am square. अब a की वैल्यू हमने मालूम की थी 20, m स्क्वायर, m की वैल्यू हमारे पास है 3/4. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 20 इज 180 बाय 16. यहां पर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करेंगे, ये आ जाएगा 45/4. y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 45/4. अब स्टूडेंट्स अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, और इसे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे. 3x माइनस 4y, 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दी, माइनस 45 इज इक्वल टू 0. इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट. ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन आ गई. नाउ पुट m इज इक्वल टू माइनस 3/4 इन इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x. अब 3/4 की जगह पर माइनस 3/4 आ रहा है, माइनस 20 माइनस 3/4 का स्क्वायर. अब अगेन यहां पर हमारे पास आ जाएगा 180/16, चूंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाना है. y इज इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 180/16, जो कि हमारे पास आ जाएगा 45/4. अगेन हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो इस दफा इन टर्म्स को हम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे. 3x प्लस 4y प्लस 45 इज इक्वल टू 0. इज इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट. स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इनफैक्ट हमने शुरू में ही विजुलाइज कर लिया था. यहां पर स्टूडेंट्स ये लेक्चर एंड हुआ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.